हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवादा बाइकर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन ऑटो मार्केट की अपकमिंग टॉप 5 मोस्ट अवेटेड बाइक्स के बारे में, जो कि 2021 में लॉन्च होने वाली है। आने वाले दिनों में कई बाइक्स इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिसका की वेट काफ़ी लंबे टाइम से होते आ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये बाइक्स इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च होती है तो अपने कंपटीटर बाइक्स के सेल को काफ़ी डाउन कर सकती है। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस लिस्ट में से किस बाइक को जल्द से जल्द आपके नज़दीकी शोरूम्स में देखना पसंद करोगे। तो वीडियो को आप इन तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बाइक्स की सारी जेन्यून अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पर फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारे लिस्ट की 5th बाइक है TVS Dragon 250। TVS की ये 250 सीसी सेगमेंट की एक प्रॉपर नेकेड स्ट्रीट रेसर थीम पे बनी हुई बाइक है। ये बाइक मेनली कंपटीशन KTM की ड्यूक 250, बजाज की डोमिनार 250, यामा की FZ 250 को देने वाला है। काफी वीडियोस में इसको अपाची RTR 250 के नाम से भी बताया जा रहा है, बट आपको मैं क्लियर कर दूं, ये अपाची सीरीज की बाइक नहीं है। इसका नाम TVS Dragon 250 होने वाला है। इसमें आपको TVS की तरफ से काफी कुछ नया फीचर्स भी मिलने वाला है, जिससे कि ये बाइक 250 सीसी सेगमेंट की काफ़ी शानदार बाइक होने वाली है। ज़्यादातर कंपनीज के पास अभी 250 सीसी सेगमेंट की बाइक्स अवेलेबल है, बट TVS के पास अपाची RTR 200 के बाद सीधे अपाची RTR 310 का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। TVS यहाँ इन दोनों बाइक्स के मिड रेंज में आपके लिए एक और ऑप्शन बनाने वाला है, जिससे कि कंपनी अपनी ग्रोथ रेट को कोविड के बाद फिर से ट्रैक पे लाने की तैयारी में है। तो बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें आपको 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व FI लिक्विड कूल BS6 कॉम्प्लैट इंजन देखने को मिलेगा, जो 38.5 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी और 23 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। बाइक में आपको काफ़ी पावरफुल इंजन के साथ अच्छा खासा पावर भी जनरेट करते हुए देखने को मिलेगा। 250 सीसी सेगमेंट के हिसाब से इसमें आपको काफी बेहतर एक्सेलरेशन ऑफर की जाएगी। TVS की अपाची सीरीज का इंजन काफी दमदार है, इस हिसाब से आपको इसके इंजन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करें इसके लुक की, तो ये बाइक काफ़ी बल्कि लुक में देखने को मिलेगा। फ्रंट सेक्शन में आपको रोबोटिक टच वाला LED लाइट्स, LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको फुल्ली LED लाइट ऑफर की जाएगी, जिसमें आपको LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्प्लिट सीट, पिलन फुटरेस्ट, इंजन किल स्विच जैसे कई सारी बेसिक फीचर्स भी ऑफर की जाएगी। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल ऑफर की जाएगी, साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर की जाएगी। और बाइक में आपको काफ़ी साफ लुक वाली फ्यूल टैंक दिया जाएगा, जिससे कि बाइक एक प्रॉपर नेकेड बाइक का फील दे रहा है। इसमें आपको अंडरवेयर एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि काफी स्लिम और बल्की लुक में देखने को मिल रहा है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको फुल्ली एल्यूमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलेगा। इसके बैकलाइट को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है, जिससे कि बाइक रियर सेक्शन से काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। मैं को पर्सनली इसका टेल लाइट काफ़ी पसंद आया, जो कि वी शेप का मिलता है। ओवरऑल अगर बाइक की लुक के देखो तो ये बाइक काफ़ी शानदार लुक के साथ लॉन्च होने वाली है। लुकिंग वाइज ये बाइक अपनी कंपटीटर्स को काफ़ी पीछे छोड़ने वाला है। अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो TVS इसके प्राइस टैग को थोड़ा सा कम ही रखने वाला है, जिससे कि बाइक अपनी कॉम्पिटिटर बाइक्स की सेल इजीली डाउन कर सके। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1.80 लाख से 90 लाख तक का एक शोरूम देखने को मिल सकता है। और इसके लॉन्च रेट की देखें तो ये बाइक 2021 लास्ट तक लॉन्च हो जानी चाहिए। हमारे लिस्ट की 4th बाइक है बजाज न्यूरॉन 400। रेट्रो सेगमेंट में बढ़ती डिमांड और सेल को देखते हुए कंपनी अब जल्द ही इसको इंडियन ऑटो मार्केट में उतारने की तैयारी में है। हाल ही में बजाज ने न्यूरॉन का नेम ट्रेडमार्क भी अपने नाम करवा चुका है। स्क्रीन पे जो आप पिक देख रहे हैं, उसमें आपको ट्रेडमार्क की गई नाम के बारे में सारी डिटेल अवेलेबल है। तभी से इस बाइक के बारे में काफ़ी कुछ न्यूज आनी स्टार्ट हो चुकी है। बजाज ने अभी तक इस बाइक के बारे में कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं दिया है, बट आ रही लीक्स और रिपोर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस बाइक की प्रोडक्शन मॉडल को रेडी कर चुकी है। काफ़ी वीडियोस में आपको बजाज एवेंजर 400, जिसपे की कंपनी अभी वर्क कर रही है और जल्दी लॉन्च करने वाली है, उसी को न्यूरॉन भी बताया जाता है। बट आपको मैं क्लियर कर दूँ, दोनों बाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, ये दोनों सेम नहीं है। बजाज एवेंजर 400 एक क्रूजर सेगमेंट की बाइक होने वाली है, और न्यूरॉन जो कि एक रेट्रो सेगमेंट की बाइक होने वाली है। अब बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको डोमिनार 400 से सिमिलर इंजन ऑफर किया जा सकता है, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर कंपनी डोमिनार का इंजन यूज भी करती है तो उसको काफ़ी हद तक ट्यून करके लॉन्च करा जाएगा, जिससे कि आपको बाइक में डोमिनार से बेटर पावर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आ रही रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें आपको 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड ट्विन स्पार्क FI इंजन देखने को मिलेगा, जो 35 PS से 40 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी और 30 Nm से 33 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इंजन स्पेक्स में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है बाइक को लॉन्च होने के बाद।
इस बाइक की एक्सेलरेशन काफ़ी सही होने वाली है, साथ में ही इसका टॉप एंड भी काफ़ी सही देखने को मिलेगा। कंपनी इसके इंजन को काफ़ी रिफाइन कर लॉन्च करेगी। इसमें आपको 180 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड देखने को मिल सकता है। इसका माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर से 30 किलोमीटर पर लीटर तक का देखने को मिल सकता है। बात करें इसके लुक और फीचर्स की, तो ये बाइक बजाज की अवेंजर्स सीरीज की लाइनअप पे बेस्ड रहने वाली है। इस बाइक का लुक अवेंजर सीरीज से बिल्कुल अलग रहने वाला है। कंपनी इसके लुक को बिल्कुल फ्रेश और अट्रैक्टिव बनाने वाली है। इंडियन ऑटो मार्केट में अभी अगर देखें तो रेट्रो सेगमेंट में बस कुछ गिने चुने ऑप्शंस ही देखने को मिलते हैं। अगर बजाज यहाँ पे 400 सीसी में शानदार लुक के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बाइक लॉन्च करे तो कहीं ना कहीं बाइक्स के सेल को ये काफ़ी अफेक्ट करेगी। आप भी कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगर ऐसा होता है तो आप किस कंपनी के साथ जाना पसंद करोगे। बजाज इसको बिल्कुल नई फ्रेश लुक के साथ लॉन्च करेगी। इसके लुक को अवेंजर से ज़्यादा बल्कि बनाया जाएगा। ऐसे लीक्स आ रहे हैं कि इसमें आपको ड्यूअल LED सेटअप देखने को मिल सकता है। इसके टेल लाइट को भी बिल्कुल नए डिजाइन में रखा जाएगा। इसमें आपको फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप दी जाएगी। इसमें आपको नए कलर्स और नए ग्राफिक्स ऑफर की जाएगी। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल ऑफर की जाएगी, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ग्रियर इंडिकेटर, टाइम जैसे ही कई सारी मेजर फंक्शन होएगी। अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च रेट की, तो बजाज इसके प्राइस टैग को थोड़ा सा कम इन बजट ही रखने वाला है, जिससे कि बाइक अपनी कंपेटिटर बाइक्स की सेल को इजीली डाउन कर सके। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 2,35,000 से 55,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। हो सकता है लॉन्च होने के बाद प्राइस टैग में आपको थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिले। और इसके लॉन्च रेट की देखें तो ये बाइक 2021 लास्ट में लॉन्च हो जाएगी, बट आप मेरे हिसाब से 2022 के फर्स्ट मंथ तक लेके चलना। हमारे लिस्ट की थर्ड बाइक है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। हाल में ही इस बाइक के पिक को रेंडर किया गया है, जिसका की क्लिप आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रॉयल एनफील्ड की ये बाइक कैफे रेसर थीम पे बेस्ड होने वाली है। अभी तक इस बाइक की कोई ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई थी, बट अभी आ रही लीक में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ये रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी सेगमेंट की बाइक है। इसमें आपको मेटियोर 350 से सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा। मार्केट रिस्पॉन्स से ऐसा लग रहा है कि मेटियोर 350 का इंजन अब तक की रॉयल एनफील्ड की सबसे रिफाइंड और कम वाइब्रेशन वाला इंजन है। यही रीजन है कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में मेटियोर 350 का इंजन यूज कर रही है। इसमें आपको सेम मेटियोर से मिलता जुलता पावर स्पेक्स और फीचर्स भी देखने को मिल सकता है। रॉयल एनफील्ड एक अफोर्डेबल प्राइस टैग में 350 सीसी का नया वेरिएंट लॉन्च कर रहा है, जिससे कि कंपनी अपनी ग्रोथ रेट को फिर से वापस लाने की कोशिश में है। हाल में ही इस बाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की पिक वायरल हुई है। वायरल पिक में आप क्लियर देख सकते हो कि इसका क्लस्टर क्लासिक 350 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल से काफ़ी सिमिलर देखने को मिल रहा है। सेम इसमें भी आपको ऊपर के साइड में एनालॉग और नीचे के साइड में डिजिटल देखने को मिल रहा है। रॉयल एनफील्ड ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आपको ट्रिपल इंजेक्शन भी ऑफर करे, बट अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। लुकिंग वाइज अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये बाइक मेनली कंपटीशन देने वाली है होंडा की हाइनस CB350 को। इसकी सीट हाइट को काफ़ी कम रखा गया है, जिससे कि पहले जो शॉर्ट राइडर्स को रॉयल एनफील्ड के साथ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, वो शायद इसमें आपको देखने को ना मिले। इस बाइक को मेनली लोगों के फीडबैक और नीड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। ये भी एक मेन रीजन माना जा रहा है इसके लॉन्चिंग के डिले होने का। कंपनी भी चाह रही है कि इसमें आपको कम से कम प्राइस टैग में अच्छी से अच्छी ऑफर्स फीचर्स ऑफर करा जाए, क्योंकि अभी देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड ही होती है। इंटरसेप्टर का लुक लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है, बट प्राइस टैग ह्यूज और 650 सीसी का इंजन होने की वजह से लोगों का टेंशन कम हो जाता है इस बाइक से। यही रीज़न है कि कंपनी 350 सीसी में इंटरसेप्टर का लुक दे रही है। ये बाइक थोड़ी सी लाइट वेट होने वाली है, इसका वेट नॉर्मल बाइक्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। रॉयल एनफील्ड इस बाइक को कस्टमर के नीड के हिसाब से डिजाइन करने वाला है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये बाइक रॉयल एनफील्ड के लिए गेम चेंजर बाइक होने वाली है। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगर ये बाइक लॉन्च होती है तो इसकी जो कंपटीटर बाइक्स है उसके सेल पे कितना फर्क पड़ सकता है। अब बात करें फाइनली इसके लॉन्च डेट और प्राइस की, तो कंपनी इस बाइक को लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेगी, क्योंकि इसमें आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए जा रही है, वो भी कम प्राइस टैग के साथ। ये बाइक स्पेशली लोगों के नीड के अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तो और वेट करना पड़ सकता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट इसका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाइक mid-2021 तक लॉन्च हो जाएगी, और इसका प्राइस 1,90,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। हमारे लिस्ट की सेकेंड बाइक है यामा YZF R15 वर्जन 4। सबसे पहले बात करें कि क्या ये बाइक लॉन्च हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो यामा ने R15 की सबसे पहले वर्जन 1 को लॉन्च किया था, फिर उसने वर्जन 2 को, और अभी वर्जन 3 मार्केट में चल रही है। इस हिसाब से कंपनी जल्द ही इसमें कुछ अपडेट्स देके इसके वर्जन 4 मॉडल को लॉन्च करने वाली है। बट ये लॉन्चिंग कब हो रही है अभी तक इसका कोई भी लीक नहीं आया है, ना ही ऐसा कोई रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रहा है।
यहाँ पे कंपनी इस बाइक में जो चेंजेस करने वाली है उसकी लीक आपको देखने को मिल रही है, बट इसके लॉन्चिंग के बारे में अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। कंपनी इसके वर्जन 3 को अपडेट करेगी तो ज़रूर, बट कब करेगी, कब तक ये लॉन्चिंग इसकी हो जाएगी, इसका कोई अभी तक कन्फर्म डेट नहीं आया है। बात करें अगर इसमें की जाने वाली चेंजेस की, तो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज़ में आपको देखने को मिला होगा कि इस बाइक के लुक को बिल्कुल चेंज किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बाइक के लुक में आपको कोई खास चेंजेस नहीं की जाएगी, थोड़े से माइनस चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी बाइक का लुक सेम रहने वाला है। इसमें आपको नए कलर्स और नए ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, बाकी बाइक के हेडलाइट में थोड़े से चेंजेस की जाएगी। बाइक पहले से अब और शार्प लुक में देखने को मिलेगा, वहीं बाइक के बैकलाइट को सेम रखा जाएगा। यहाँ पे आपको पहले हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता था जो यामा अपने मोस्टली सारे बाइक्स में यूज़ करता था, बट वर्जन 4 में आपको LED इंडिकेटर्स ऑफर की जाएगी। बाइक में आपको LED हेडलाइट्स देखने को मिलता है, बट ये हेडलाइट नाइट में उतना सही वर्क करता नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी इसके हेडलाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी और ये प्रॉब्लम फिक्स करेगी। अब बात करें इसके इंजन की, तो ये बाइक जब से BS4 से BS6 में आई है इसकी पावर कहीं ना कहीं ड्रॉप जरूर हो गई है, ऐसा शायद आपने भी फील किया होगा। पहले इसमें 19.3 BHP का पावर देखने को मिलता था, बट BS6 मॉडल में 18.3 BHP का पावर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक मेन फैक्ट माना जा रहा है इसके वर्जन 4 को लॉन्च करने का, क्योंकि इस बाइक का मेन कंपटीशन 200cc सेगमेंट की बाइक से होता है और इसका प्राइस भी 200cc सेगमेंट के बाइक से सिमिलर है। तो यामा यहाँ पे वही सेम 155cc वाला लिक्विड कूल इंजन यहाँ पे यूज करेगी, बट इसके पावर और टॉर्क में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। कंपनी इसके पावर को और बढ़ाने की तैयारी में लगा है, इसमें आपको पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल इंजन दिया जाएगा। बाकी आपको बाइक में सेम स्लीपर क्लच 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन फुल्ली डिजिटल TFT कंसोल देखने को मिलेगा। इसके माइलेज में आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा, बाइक की माइलेज थोड़ा बहुत कम हो सकता है। बाकी और चेंजेस की बात करें तो इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल सकता है, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर इसमें राइडिंग मोड्स या फिर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया जाता है तो कहीं ना कहीं बाइक का प्राइस काफ़ी हाइक हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कंपनी इस बाइक के प्राइस टैग को और ज़्यादा बढ़ाना चाहेगी। इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल भी आपको सिम पहले जैसा TFT स्क्रीन मिलेगा। अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो यामा इसके प्राइस टैग में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1,65,000 से 75,000 तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा, जो कि ऑन रोड आते आते 1,95,000 तक का हो सकता है। हो सकता है लॉन्च होने के बाद इसके प्राइस टैग में थोड़ा सा अपडाउन आपको देखने को मिले। अगर इसके लॉन्च रेट की देखें तो ये बाइक 2021 लास्ट तक लॉन्च हो जाएगी। हमारे लिस्ट की फर्स्ट एंड लास्ट बाइक है यामा MT125 यामा की पॉपुलर MT सीरीज की सबसे कम CC सेगमेंट की बाइक है। ये बाइक इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका क्रेज और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में। यामा के पास अभी इंडिया में 125cc की कोई भी बाइक उतनी पॉपुलर नहीं है और इस लिस्ट की सारी बाइक्स अब थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। यही रीज़न है कि यामा जल्द ही MT15 पे बेस्ड MT125 को इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च करने वाली है और आप लोगों के लिए एक और ऑप्शन बढ़ाने वाला है। तो जो भी भाई लोग इस बाइक का वेट कर रहे थे उनको अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसका मेनली कंपटीशन KTM की ड्यूक 125 और बजाज की पल्सर 125 से रहने वाला है। इस बाइक में आपको काफ़ी पावरफुल इंजन के साथ एक काफ़ी रिलायबल माइलेज भी देखने को मिलता है। इसका लुक भी काफ़ी दमदार और अट्रैक्टिव है, यही रीज़न है कि ये बाइक काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 124.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल BS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिलेगा, जो 15 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 10,000 RPM पे और 11.5 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है 8,000 RPM पे। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलता है। बाइक में आपको 125cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा पावर और टॉर्क देखने को मिलने वाला है। ये बाइक 0 to 100 km/h की स्पीड 40 सेकंड्स में चली जाती है। इसका इंजन काफ़ी रिफाइंड रहने वाला है। अब बात करें इसके लुक और डायमेंशन की, तो बाइक का लुक MT15 पे बेस्ड है और इससे काफ़ी सिमिलर रहने वाला है। फ्रंट सेक्शन में आपको यामा MT15 से सिमिलर LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है। वहीं बाइक के रियर सेक्शन में आपको LED टेल लाइट, स्प्लिट सीट, पिलन ग्रैबरल देखने को मिलता है। इसमें आपको 810mm का सीट हाइट, 140mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। बाइक की ओवरऑल हाइट 1,065mm का रहने वाला है। इसमें आपको 11 लीटर के फ्यूल टैंक मिलेगी और इसका माइलेज 45 to 50 km/l कंपनी क्लेम करती है। इसका कव वेट 140 kg का है। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और सस्पेंशन की, तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल TFT स्क्रीन मिल रहा है, जो आपको सेम MT15 में देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक और फ्यूल गॉज सोएगी। फ्रंट में आपको 41mm का USD फॉक्स और रियर में मोरोसॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो बाइक की, तो ये फुल्ली इंस्पायर्ड रहने वाली है MT15 से। इसका प्राइस आपको MT15 से कम और फीचर्स ज़्यादातर सेम ही देखने को मिलेगा। बात करें प्राइस और लॉन्च रेट की, तो
तो एक्सपेक्टेड प्राइसेस का 1 लाख से 1.25 लाख तक का एक शोरूम देखने को मिल सकता है। इसके लॉन्च रेट की देखें तो यामा इस बाइक को मिड 2021 तक लॉन्च कर देगा। इसका लॉन्च रेट बहुत पहले का था, बट कंपनी अब इस बाइक को लॉन्च करने के लिए एक सुटेबल टाइम ढूंढ रही है। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस लिस्ट में से किस बाइक के लिए वेट करेंगे और किस बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।